इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। अध्यादेश को लेकर लड़ाई केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच है और लगातार वो लड़ाई बढ़ती जा रही है। पहले प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल और अब मुख्य सचिव के ऊपर इस पूरी लड़ाई की तलवार जो है लटक चुकी है। और उन्होंने जो कहा है कि अभी उन्होंने हाल ही में प्रेस वार्ता की और उन्होंने बयान दिया कि कोई भी जो फैसला आता है कैबिनेट से उसको जो है राज्यपाल द्वारा बदला जा सकता है और ये बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने अपना बयान दिया जो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र के अध्यादेश में यह प्रावधान है कि प्रदेश का मुख्य सचिव तय करेगा कि दिल्ली कैबिनेट का कौन सा निर्णय कानूनी है और गैर कानूनी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है कि वो कैबिनेट का कोई भी बड़ा फैसला आए तो उसे पलट सकता है। उन्होंने कहा कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा दिल्ली ही नहीं अर्धशासी राज्य है, इसलिए यह अध्यादेश के लिए आया है। यह अध्यादेश राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और भी राज्यों में आ सकता है। तो साथ ही साथ उन्होंने और भी राज्यों को जो है यहाँ पर सचेत किया है कि यह अध्यादेश और भी राज्यों में लाया जा सकता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो सभी पर अपना राज जो है बनाना चाहती है और किसी को भी सरकार चुनकर जो पब्लिक लाती है उसको काम नहीं करने देना चाहती, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर लगातार तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं और ये तानाशाही के आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लगाए हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यहाँ पे जो है राज्यपाल की दखलंदाजी कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 में जो है केंद्र सरकार, पीएम मोदी की सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। 2024 चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है राज्यों पर लगातार अपना दबाव बना रही है, जो सरकार चुन के आ रही है उसको काम नहीं करने दिया रहा, जिसको खुलकर जिसकी लड़ाई जो है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार चाहे वो पीएम मोदी की डिग्री हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला हो, ईडी सीबीआई पे हो, लगातार वो हर जगह जो है केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल को भी घेरे में लिया है। आखिर राज्यपाल को इतनी सख्ती केंद्र सरकार ने क्यों दी है? ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ की राज्य सरकार को दबाने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है कि कहीं हम अच्छे काम करके क्रेडिट ना ले जाएं और पब्लिक हम न सुने, क्योंकि उनको सत्ता से गिरने का डर है और उनको हमेशा ये डर सताता रहता है। उन्होंने साथ ही साथ राज्यपाल पे भी बड़े सवाल खड़े किए कि आखिर राज्यपाल ऐसा क्या पढ़ाई करके आए हैं, ऐसा क्या करके आए हैं जो वो हमारे ऊपर इतनी तानातानी जो है करते हैं, क्योंकि राज्यपाल को एक तरीके से केंद्र सरकार का राजदूत बना के यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे ऊपर रख दिया है, जहाँ राज्यपाल लोगों की मदद करने के लिए होते हैं, फैसले करने के लिए होते हैं, जो एक केंद्र की तरफ से जो होते हैं मदद लोगों की करने उनको चाहिए, लेकिन वो जो है दिल्ली सरकार के काम रोक रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ कोई काम नहीं रुकेगा, आपने सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, आपने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे 100 और सत्येंद्र जैन है, 100 और मनीष सिसोदिया है जो लगातार जनता का काम करते रहेंगे और आपकी आंखों में चुपते रहेंगे, ऐसा कहा अरविंद केजरीवाल ने। और वो लगातार जो है केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपना समर्थन बटोरते जा रहे हैं, उनकी ताकत जो है उन्होंने अभी जो 11 जून को उनका कार्यक्रम हुआ था उसमें दिखाई थी और अब आगे जाके और भी ऐसी आकांक्षा है कि रामलीला मैदान पहुंच के वो फिर दोबारा एक बड़ा प्रदर्शन जो है केंद्र सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद। एक और इसके अंदर प्रोविजन है, चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। यह आज तक कभी नहीं हुआ।